नमस्कार दोस्तों। तोतका कहने से अक्सर लोग यह समझते हैं कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधित लाल किताब से सात्विक तोतके रहते हैं जिन्हें हम सब उपाय कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत ही अच्छे और कारगर होते हैं और इन उपायों को करने में किसी भी तरह से कोई बुराई नहीं है। यदि आप ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा से प्रभावित हैं या आप संकटों में घिरे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में है, तो यह बताए गए अचूक तोतके जरूर आजमाइए। आप ऐसा करके जरूर अपने समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों में पहला उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले तो आप नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी को कपूर की आरती करनी चाहिए, इससे सारी बाधाएं दूर होती है। अगर 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाई जाए तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। पानी वाला एक नारियल का तोतका भी बहुत असरकारक होता है। इसके लिए आप पानी वाला एक नारियल ले लें और उसे अपने ऊपर 21 बार घुमाएं। अपने सर पर 21 बार घुमाने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दीजिए। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट होता है उसके ऊपर ही करना चाहिए। गाय, कुत्ते, चींटी और पंछियों को भोजन खिलाकर भी आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। उपाय के अनुसार वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों में पंच यज्ञ में से एक वैश्व यज्ञ देव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं, इससे व्यक्ति की समस्याएं दूर हो जाती। अगर प्रतिदिन चींटियों को दाना डाला जाए तो यह कर्ज और संकट से मुक्ति दिलाने का अच्छा उपाय होता है और व्यक्ति को जल्द ही संकट और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को भी प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट आने वाले जो होते हैं वह अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर गौ माता को प्रतिदिन रोटी खिलाई जाए तो यह आर्थिक संकट को दूर करने में माता की कृपा मिलती है। अतः गौ माता को रोजाना रोटी खिलाना चाहिए, इससे आर्थिक संकट दूर हो जाती है। जल अर्पण करके भी आप अनेक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल ले लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह में उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।